हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इसरो पेपर टेक्निकल असिस्टेंट पेपर पार्ट टू स्टडी करेंगे। 10 क्वेश्चन होंगे बेसिकली इसके अंदर, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, सॉरी। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR यूजली टर्न ऑन, SCR को हम कैसे टर्न ऑन कर सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन गेट ट्रिगरिंग इज द बेस्ट मेथड। गेट ट्रिगरिंग वैसे तो बहुत सारा लिखा हुआ मटेरियल हमने, लेकिन बेसिकली जो है गेट ट्रिगरिंग इज द बेस्ट मेथड। गेट ट्रिगरिंग से आप इसको टर्न ऑन कर सकते हो। और ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, गेट सिग्नल मस्ट बी रिमूव्ड आफ्टर द डिवाइस इज टर्न ऑन, उसके बाद आपको निकाल लेना है, हटा लेना इसको। नो गेट सिग्नल शुड बी अप्लाइड व्हेन द डिवाइस इज रिवर्स बायस्ड, ओके। व्हेन द डिवाइस इज टर्न ऑफ स्टेट ए नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड द गेट एंड द कैथोड विल इंप्रूव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिवाइस, समथिंग कुछ पॉइंट है। उसके बाद कुछ पॉइंट है, होल्डिंग करंट वगैरह, लैचिंग करंट्स। होल्डिंग करंट से भी आप टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हो, वो उसके मैटर करेगा कि वो होल्डिंग करंट लेस अमाउंट लेस है या सेम लैचिंग करंट में होता है, ठीक है। इट इज अ वैल्यू ऑफ एनोड करंट विच इज नेसेसरी टू मेक एक्सियल इन कंडक्टर इवन थ्रू गेट पल्स इज रिमूव्ड, गेट पल्स रिमूव होने के बाद भी, ठीक है। आप इसको टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट है, परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई इज, ह्यूमन आई परसिस्टेंस, तो दिस इज द परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई इज 1/16 सेकेंड। और इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए इन्होंने, रिटेंशन ऑफ विजुअल परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द रे ऑफ लाइट प्रोसीडिंग, जैसे हमारी आंखों में परसिस्टेंट ऑफ विजन क्या होता है कि जब हम कोई लाइट है हमारी आंखों में पड़ती है तो कुछ अमाउंट ये मतलब लाइट जाती है कितने अमाउंट तक जाएगी, उसके बाद ये उसको अपोज कर देगा, दैट इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन, ओके। कि इतना अमाउंट ही लाइट हमारी आंखें बियर कर सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, उससे ज़्यादा जाएंगे तो हमारी आंखें बंद होने शुरू हो जाती हैं, तो ये होता है परसिस्टेंट ऑफ विजन, उसे बोलते हैं, ओके। तो उसकी वैल्यू होती है 1/16 सेकेंड आफ्टर, तो राइट आंसर इज 1/16, आंसर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। सिग्मेनोमीटर इज यूज्ड, सिग्मेनोमीटर बेसिकली डॉक्टर यूज करते हैं, क्यों? ब्लड प्रेशर यूज मेजर करने के लिए, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज कंपेयर टू सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन रेक्टिफाइड डायोड एंड LED हैज, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सभी LEDs, ऑल LEDs आर डायोड, बट ऑल डायोड आर नॉट द LEDs, ओके। तो इसमें सबसे क्या होता है, LEDs में क्या होता है, हाईर फॉरवर्ड वोल्टेज होती है और ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, अल्ट्रासोनिक डायग्नोस्टिक इमेजिंग टिपिकली इम्प्लॉय द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ, अल्ट्रासोनिक में बेसिकली आपको क्या होता है, जो हम सुनते हैं ना 1 to 20 MHz तक, 1 to 20 MHz तक वो फ्रीक्वेंसी वो मेडिकल अल्ट्रासाउंड यूज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन,
द मेन एडवांटेज ऑफ सीमोस इज इट्स, बहुत सारी है सीमोस के एडवांटेज अगर हम उनको पढ़ते हैं तो, लेकिन सबसे बेस्ट है आप उसका लो पावर कंजप्शन, वो कम पावर कंज्यूम करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। वैसे बहुत सारी है, पावर लोअर पावर कंजप्शन है, बेटर मार्जिन है, नेक्स्ट इज द एक्सपेंसिव भी कम है, लेस एक्सपेंसिव है, बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है आपके पास, लो पावर कंजप्शन, सीमोस कम लेस पावर कंज्यूम करता है। नेक्स्ट इज एस्पेक्ट रेशियो ऑफ एच डी टी वी, एच डी टी वी का एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, 16:9, एच डी की बात आ जाए तो 16:9, और अगर नॉर्मल टी वी की बात आ जाए तो 4:3, 4:3, ये 1:1.3321 एस्पेक्ट रेशियो, और एच डी टी वी बिकम स्टैंडर्ड टी वी तो वो हो जाएगा 16:9 और 1.7821 एस्पेक्ट रेशियो, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 16:9 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए सिलिकॉन डायोड एट रूम टेम्परेचर, सिलिकॉन डायोड के लिए क्या होता है 0.7 और जर्मेनियम के लिए होते हैं 0.3, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which diode is used as a voltage regulator? This is a very simple question. Zener diode. Why we use Zener diode as a voltage regulator? Because when we apply the higher voltage to the Zener diode, it is reverse biased. Reverse bias ki wajah se aap ye ek रिवर्स बायस की वजह से आप इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज ट्रांसकंडक्टेंस इन एफईटी इंडिकेट हाउ इफेक्टिव द इनपुट वोल्टेज कंट्रोल, दिस इज द आउटपुट करंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दिस इज मोर अर्जेंट, दिस इज मोर रिक्वायर्ड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।